हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिछले सार के साथ। आपको बताया था जी, बाजवी को दिन आ गए हुए, बैसाखी कल पहली इतवार है, तो हम कैप्सूल बना रहे थे। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि यार सबसे अच्छा मजा किस चीज़ का आता है कि जब आप अपने हाथ से कैप्सूल बनाएं और आपको अपना तरीका आता हो। कबूतर उड़े ना उड़े वो बात की बात है, अपने हाथ से कैप्सूल लगा के जब आप शाम कबूतर बनाएंगे, जो खुशी आपको तब महसूस होगी किसी के लिए होगी। देखिए, कैप्सूल बनाने का या आपको फार्मूला बताने का मकसद क्या था कि यार सब जो है ना, जितने मेरे दोस्त हैं, मोहताजी खत्म हो यार किसी की, फलां की उस्तादी की शागिर्दी, फलां ये वो छोड़ो यार, आपको खुद तरीका आना चाहिए सारा। बस तरीका जब आएगा आप खुद सीख जाएंगे। आज हमने जी कैप्सूल बनाए हैं, 7 कबूतर का लोड है जी। हमारी एक कप में एंट्री भी है, 41 छते हैं कप के अंदर, और एक सिंगल हैंड है जो आपको मैंने बताया था, जो मुल्ला तारा वाले के शागिर्द है, उनके साथ हमारी सिंगल हैंड भी है। 7 कबूतरों की है, सुबह 5:30 बजे पल्ला है, तो इंशाल्लाह मजा आने वाला है। टेम्परेचर भी 40-42 हो गया, मैं बता रहा हूँ। बस ये लास्ट कैप्सूल बना के हम ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं। असल में दिखाने का मकसद ये है कि यार चलो सब दोस्तों के साथ जरा एंजॉयमेंट शेयर की जाए। देखिए कैसे कबूतर उड़ते हैं। लें जी, ये 7वां कैप्सूल बन गया, ये देखिए। फार्मूला वही है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिये इसके अंदर 2 तरह के कैप्सूल है, हाफिज जरा दिखाइएगा। ये देखिए, एक पर्पल कलर के हैं, ये जरा हैवी कैप्सूल है। जो लाइट ब्लू और व्हाइट है, ये लाइट कैप्सूल है। ये लाइट किसके लिए आपको बताया था, मैं 3 जी कल सुबह बाजी में 3 हड हराम डाल रहा हूँ उनके लिए, 3 कैप्सूल मैंने अलहदा पर्पल वाले भरे कैप्सूल बनाए हैं। बाकी मैंने जो 4 कैप्सूल बनाए हैं वो लाइट, वो बैठते हैं 12 बजे 1 बजे के करीब बैठते हैं, उनको हल्के से लगाएं ताकि शाम तक प्रवास कर लें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। ले जी, ये थी आज कल जी 16/4/2023 पहली इतवार है, 4 इतवारें लगी हैं, बड़ा मजा आने वाला है। इंशाल्लाह आपसे सारी शेयर करेंगे, आपको अपने साथ शौक दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आपको हमारी बातें पसंद आ रही होंगी, गेम पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही होंगी। आज ही आपको पहले बताया था कब था, लास्ट संडे को कब का अच्छा रिजल्ट निकला, लेकिन 2 कबूतर नहीं आए, उसकी वजह से हमारी एवरेज डाउन हो गई। 40 छतों का 11 कबूतरों वाला कप था, उसमें हमारा 11वां नंबर आया, तो ठीक है, यानी कि मैं ये समझता हूँ ठीक है। और ये नहीं है कि छतें छोटी थी, बड़ी नामवर छतें थी, मैं कहता हूँ बड़ी बात है, 40 छतों में हमारा 11वां नंबर आ जाना बड़ी बात है। और अगर 2 कबूतर बैठ जाते, पक्के कबूतर थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हवा का सिस्टम क्या था ऐसा मुझे नहीं पता चला। खैर व्हाटएवर, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। ले जी, सुबह बाजी है 16/4/2023 पहली बैसाख की इतवार है, तो कल हमारा पहली बाजी है। एक बंदे से सिंगल हैंड लगी, जिनकी आपको तस्वीरें भी शेयर की थी, उस्ताद मुल्ला तारा वाले, उनके साथ एक सिंगल हैंड है, छत उनकी छत से लगी हुई है। और कप में एंट्री है, कप में 41 छते, 7 कबूतर उड़ने हैं, 5:30 बजे पल्ला है, इंशाल्लाह देखिएगा आपको सारा बताएंगे। ले जी कैप्सूल लगाए हैं, मैंने आपको बताया था कि यार देखिए कैप्सूल बताने का मकसद यही है, कोई मोहताजी ना हो किसी की, अपने कैप्सूल 5 गोलियां पीसें, कबूतर का वेट देखें, उस हिसाब से कैप्सूल बना लें। अब जिस तरह मैंने 3 बनाए हैं, मैंने 3 हड हराम भी डाले बीच में, मैं कह रहा मजा ले, जरा देखें 4-4 घंटे 3-3 घंटे उड़ते हैं, कैप्सूल लगाया, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है। कल रिजल्ट देखिएगा, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, बाकी तो होना वही है जो अल्लाह और उसके रसूल का मंजूर है, लेकिन अच्छी तैयारी की है, अच्छा एक है। ये जो स्टार वॉरियर कबूतर है हमारा, बड़ी उम्मीद है ये 3-3 घंटे उड़ता है कैप्सूल पे, इंशाल्लाह देखें कल क्या करता है। इसको कैप्सूल लगाया आपको दिखाते हैं, कैप्सूल लगा के आपको बताया, मैं सादा पानी लगा रहा हूँ रात को, कभी भी रात को कैप्सूल लगा के इसको सादा पानी देना है, कभी कोई ठंडा पानी नहीं लगाना, ठंडा पानी सुबह लगाते हैं, बताता हूँ। ये देखिए 10 cc ऐसे किया और ये गया जी। स्टार वॉरियर इसका नाम है, आपको मैंने पहले वीडियोस में भी ये शेयर किया हुआ है। ले जी, सबको कैप्सूल लग गया और 7 का कैप्सूल लगाया। देखिए बताने का मकसद ये है कि रिजल्ट क्या है, आपको कल शेयर करेंगे, जिससे आपको पिछले शेयर किया था। पिछले दफा कबूतर बड़े अच्छे बैठे थे, 2 कबूतर नहीं आए, 1 लाख का कबूतर गंद मार गया, वो 1 बजे तक बैठा था, 10 बजे आया, बाकी 4 कबूतर बैठे कोई 2:30-2:15 के बाद ही बैठे 4, उसके बाद फिर 4 बैठे हैं तकरीबन कोई 3:15 से लेकर 4:15 के दरमियान, 4 जूटी आ गया था। उसके बाद लास्ट फाइनल कबूतर जो 9वां कबूतर आया वो बैठा था 4:56 में। ये थी पिछली दफा की, और इंशाल्लाह देखिए आप 7 कबूतर हैं, कैसी रिजल्ट है आपको सुबह पल्ला मार के दिखाते हैं। अल्लाह हाफिज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिछले सार के साथ। ले जी, सुबह हो गई है, जिसका इंतजार था सारों को, 7 कबूतर उड़ेंगे आज। आज पहली बाजी है बैसाख की इतवार की, बैसाख की इतवार आज पहली, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा गेम का। एक कप में एंट्री है जी, 41 छते हैं उसके अंदर, और सिंगल हैंड है एक छत के साथ, इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे आप लोग भी। मैंने आपको बताया था जी, इस दफ़ा हम जो है ना कैप्सूल लगाएंगे, रात को आपको बताया था तरीका सारा कैप्सूल लगाने का, बनाने का, और रात लगाया भी है 11 बजे, सादा पानी 10 cc के साथ सादा पानी का कैप्सूल हमने दिया है।
आज जी सुबह सुबह उठ के हमने आपको बताया था कि जी आप पे जरा गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो 2 cc अरके का उज़ुबान और 8 cc सादा पानी, ये देखिएगा ये टीका बना के आपके लिए इसे मूवी से शेयर कर रहे ताकि आपको पता चले। अभी सिर्फ 2 मिनट और है पल्ले में, तो हमने कहा चलो आखिरी कबूतर 7वां कबूतर भी निकाल के। अच्छा कबूतर हम कौन से उड़ा रहे हैं, 3 टैडी कबूतर आज मैंने डाले हैं, 1 कमग्गर कबूतर डाला है, 4 1 गोल्डन, 5 1 फिरोजपुरी कबूतरी और 1 जौनसरी कबूतरी, ये टोटल हमारे 7 कबूतर आज उड़ेंगे। आज इतवार की बैसाखी में पहली इतवार है। ले जी जरा पानी इसको लगाते हैं, ये इसको लग गया जी 10 cc पानी। पंजे साफ कर लें, ये देखें पंजे साफ किए, पहले हमने गीला कपड़ा ये हल्के से उसके पंजे बीट ना लगी हो ये इंपॉर्टेंट है। 5 टैबलेट वाला वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा लगाया जी इसको, इंशाल्लाह लजीब देखें कि उम्मीद है अच्छी कारकर्दगी करेगा। ले आए जरा बाहर चलते हैं, पिछली दफ़ा जी आपको हमने बताया था कि जो गेम थी वो 6 बजे पल्ला था कप में, 1 हफ्ते के अंदर ही अब जो है जी आप सूरज देखिए अभी निकला नहीं है सूरज, और 5:30 होने में 2 मिनट रह गए, बल्कि 1.5 मिनट रह गया। तो इंशाल्लाह ये हमारा जी कबूतरों का था, पल्ला आपको दिखाएंगे साथ, हमने कहा साथ शेयर करें आपके साथ ताकि पल्ला भी आप देखें। ज़रा सोटी दिखाएगा हाफिज़, ज़रा पल्ला जी रेडी है, आपको पल्ला मार के दिखाएंगे, 2 मिनट की झंडी होती है, 2 मिनट की झंडी दिखाएंगे और दैट्स इट। ये हाफिज़ क्या टाइम हुआ आपके पास, 29, ज़रा मोबाइल में दिखाइएगा, दिखाएँ मैं दिखाऊँ, लें जी 5:29 हुए हैं, पूरे 5:30 पे हम पल्ला मार देंगे। लें जी जिसे कहते हैं आपको साथ साथ शौक कराएंगे जी पल्ला मारा है, और साथ साथ आपको इंजॉय कराएंगे कि इंशाल्लाह कौन सा कबूतर कितने बजे बैठा है, पूरी आपके साथ शेयर करेंगे। हाफिज इधर करें ज़रा, जब 5:30 हो तो आपने बता देना है ताकि हम कबूतर उड़ा दें, इस तरफ से आप इस तरफ आ जाएँ ताकि मैं जैसे पल्ला मारूँगा क्योंकि हमने कबूतर निकाले हैं। आपको हमने बताया था स्पेशल हमने केज बनाया हुआ है इसीलिए पल्ले के लिए। ले जी माशाल्लाह 7 कबूतर, हाफिज जैसे 5:30 हो तो मुझे बता दें, चंद सेकंड ही रह गए तो मैंने चलो शेयर करें सबके साथ दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह हार जीत मुकद्दरों की बात है, ले जी 5:30 हो गया, हाफिज साहब ने हमें कहा हाफिज पल्ला दिखाए ना कबूतर दिखाए ना, ये जी देखे जूठे में उड़ रहे हैं, और जूठे में इसीलिए उड़ रहे हैं ये कबूतर कि हमने इनको बंद करके डब्बे में उड़ाया। आप दिखाइएगा दिखाइएगा, आप इस दिखाइएगा। ले जी पल्ला लग गया, आपके सामने मजा आया होगा आपको, ये देखे झंडी 2 मिनट की है, अभी 1 मिनट हमारे पास पड़ा हुआ है। एक बार आपके देखने वाले को आप बता दूं, इनको झंडे की जरूरत नहीं है, इन्हें जाना होते ही है क्योंकि जो कैप्सूल लगा हुआ है ना, इंशाल्लाह आज बड़ा मजा आएगा। देखे हार जीत मैंने आपको बताया है, मैदान का शेर वो है जो मैदान में खड़ा होकर मुकाबला करे, ना तो है कभी जी पिछली इतवार मैंने एंज होया हूं मैं एंज कर लिया। आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं सासा की, ये देखें वर्ल्ड चैंपियन उसका हाफिज़ दिखाइएगा, ले जी 2 मिनट पूरे हो गए, हाफिज़ दिखाइएगा जरा, पूरे 2 मिनट हो गए झंडी डाउन, मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इंशाल्लाह साथ साथ बैठेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, असल में यार मुनसफ को बैठाया हुआ नीचे तो फिर हम भी नीचे बैठते हैं, फिर मूवी बनाते हुए बड़ा होता है, पूरी कोशिश करूंगा लैंडिंग करते हुए सारे दिखाऊं। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें, अल्लाह हाफिज़। ये जी काले मुंह वाला शासिरा बैठा है 12:05 पे, चल ये 2 भी आ गए हैं जी, ये ऊपर ये आ गए हैं, ये देखिए हाफिज सर इनकी वीडियो बनाना, खैर मैं बनाता, ले जी आ गए हैं दोनों,
ये जूटी आ गए, बल्कि तीन इकट्ठे ही आए हैं ये तो। ये जी बड़ा जालदार और बड़ा टैडी कबूतर, ये दोनों इकट्ठे आए हैं। आन लगा जी लैंड करने लगा, ए करने लगा जी लैंड, ए आ गया। हाफिज मोबाइल निकाल ला अपना, टाइम देखो जरा। ये लो जी ये बैठ गए। कितने बजे? 12:10। 12:10 जी ये देख लें टाइम। और इसके साथ ये तीसरा भी आया हुआ है, ये सलाई मतलब बड़ा टैडी है, ये बड़ा जालदार बैठा है और ये आ गया जी। लो जी तीन बैठ गए। ये देखेंगे तीन बैठ गए। ये काले मुंह वाला शाहसिरा, ये सलारा और सॉरी ये बड़ा जालदार और ये टैडी कबूतर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, ये दो कबूतरें भी बैठी हैं, एक ये फिरोजपुरी ये 4:25 पे बैठी है और एक ये जौनसरी कबूतरी, ये कबूतरी 4:30 पे बैठी है। ये मेरे 5 कबूतर बैठे हैं अभी तक। फिरोजपुरी बैठी है, बड़ा टैडी कबूतर बैठा है, बड़ा जालदार बैठा है, फिर ये काले मुंह वाला गोल्डन, ये काले मुंह वाला शाहसिरा और ये जौनसरी आप भाई है। ये 5 कबूतर आए हैं, 2 कबूतर मेरे अभी भी ऊपर हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सब व्यूअर्स और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आज आपने बाजी देखी सारी, कैसी रही बाजी? मैंने कहा चले सबके साथ शेयर करें जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से बाहर है, और कबूतरों को जिनको पिजन लवर है ये स्पेशली उनके लिए एफर्ट की जा रही है कि चले यहाँ सबको चौक दिखाएं पाकिस्तान में लाहौर में कबूतरबाजी कैसे होती है। आज रिजल्ट मुझे उम्मीद है सारे यार बड़े एक्साइटेड थे रिजल्ट जानने के लिए। वेरी सॉरी बाजी खत्म हुई, मैं भी सो गया, बहुत एक्टिव डे था और रंग भी आप देख रहे काला से हुआ है। ये था कि मैं अभी था तो मैंने कहा कि जी वो आपके लिए शेयर कर दूं सबको। आज ही हम बाजी जीत गए लेकिन बड़ी टफ बाजी थी, जिसे कहते हैं कि गर्मी बड़ी शदीद थी, जिसे कहते हैं सब लोग कहते हैं इतना टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर ठीक है। सुबह 12 बजे तक तकरीबन 36 टेम्परेचर था, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक टेम्परेचर 14 तकरीबन हो चुका था, 40 के करीब टेम्परेचर था, बड़ी शदीद गर्मी थी। अच्छा आपको रिजल्ट बता दूं जी कि हमारा एक कप में एंट्री थी और एक सिंगल हैंड जो आपको बताया था जिनके साथ हमारी बाजी लगी हुई थी। आज उनके कबूतर उनका कबूतर पहले उनका स्कोर सुन ले फिर मैं अपना स्कोर बताता हूँ। उनका जी स्कोर पहला रहा है 2:40 पे उनका पहला बैठा है, 11:38 पे 38 मिनट पे उनका दूसरा बैठा है, 11:39 पे उनका तीसरा बैठा है, और फिर उनका एक कबूतर बैठा है 12:01 या 12 पे शायद उनका बैठा है चौथा कबूतर, और उनका पांचवा कबूतर बैठा है 2:08 पे। ये उनका जी स्कोर था, उनके दो कबूतर नहीं आए। अच्छा अब हमारा स्कोर क्या था जी कि हमारा जी पहला बैठा है 12:05 पे, दूसरा बैठा है 12:09 पे और तीसरा बैठा है 12:10 पे। मैं आपको बता दूं ये कबूतर हड हराम कबूतर थे, आप वीडियो में देखा होगा मैंने आपको बताया कि 3 कैप्सूल मैंने हड हराम बनाए हैं। ये कबूतरों की ज्यादा से ज्यादा प्रवास 2 घंटे 2.5 घंटे इससे ज्यादा की नहीं थी, लेकिन ये बड़े पक्के कबूतर थे, लगाया तो ये 12:30 तक आ गए शदीद गर्मी में। अच्छा फिर उसके बाद जो 4 कबूतर थे मेरे वो तकरीबन 12:01 के राउंड अबाउट थे, उनको मैंने हल्का कैप्सूल बना के लगाया था, हल्के से मतलब 8 गोलियों वाला कैप्सूल, चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन उसका एक ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क बताया हुआ है आपको सारा पता है।
आठ वाला लगाया, इसमें एक कबूतरी बैठी, वो ये कबूतरी दोनों जो बैठी हैं ये भी तकरीबन 12 एक बजे तक बैठती हैं, इनको हल्का लाइट डोज लगाई थी। एक बैठी है 4:28 पे और एक बैठी 4:30 पे, ये जी हमारी 5 बैठे हैं। और मजे की बात ये है कि एक स्टार वॉरियर कबूतर, मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि वो 5 के बाद बैठेगा, और एक गोल्डन कबूतर, आप बिलीव करें सारा साल ये दो कबूतर 4:00, 2:00, 1:00 इसी टाइम पे बैठते हैं, और इनको मैंने लाइट से कैप्सूल लगाए डोज लगाए थे, दोनों नहीं आए आज, ये बैठना की इंतहा समझ ले। और बल्कि वो जो हमारे वो जिनके साथ सिंगल हैंड 1-to-1 गेम थी, वो भी मुझे कह रहे कि यार जो दो थे हमारे बड़े कबूतर थे और हमें उम्मीद थी 6 के बाद बैठेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैठ नहीं गए, तो पंगा पड़ सकता था। अच्छी खास है, बड़ा ब्लड प्रेशर रोजे के साथ डाउन रहा है, आपको पता नहीं इस चीज का कि एक भी बैठ जाए तो आप अंदाजा करें। असल में देखिए मैंने आपको बताया हार जीत मुकद्दरों की बात है, मैंने उनसे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उनका भी बैठा, मेरे भी अगर नहीं बैठे तो मैंने एवरेज भी जीत ली है, पर भी जीत लिया उनसे, और हिट प्रवास भी जीत लिया है, इब्तदा अच्छी हुई है। अगर इब्तदा अच्छी ना होती, एक तो धूप से रंग काला होता है, एक वैसे से खून सड़ के रंग काला होता है हार से। तो खैर ये आपसे मैंने शेयर किया। हाँ, जो कप में एंट्री थी, कप में हमारी 50 शतकों वाले कप में एंट्री थी, उसमें हमारा 13वां नंबर आया है मजीद। अच्छा, पिछले कप में हमने जब वो हमारी सिंगल हैंड से पिछले कप में नहीं थी, पिछला सिर्फ कप था, उसमें हमारा 11वां नंबर आया था, वो भी दो कबूतर नहीं आए। आप देखे दो कैसा, दो का नंबर हमारे मनूस हो गया है, दो नंबर तो दो नंबर मनूसी हो गया है। खैर ये एक मजाकी बात थी, पिछली दफा दो नहीं आए, इस दफा भी दो नहीं आए, दोनों ने बेरा फर्क किया, दोनों दफा पक्के कबूतर थे। अच्छा, पिछली दफा एक हीरो होंडा वाला शासिरा काला गर्दन थी और पूरा सफेद, बहुत खूबसूरत कबूतर था, जिसके पास गया वो ऐसे उसने काट लिया होगा, कोई बात नहीं है। और एक बटेरा कबूतर था, वो भी बड़ा अच्छा था, वो भी काटा गया उन्हें। खैर हमें इसकी जरूरत नहीं, हमारे पास अभी काफी कबूतर है। बहरहाल आपको ये रिजल्ट शेयर किया, पिछले जो हफ्ता था गुजरा उसमें सिर्फ कप में एंट्री थी, बार बार इसलिए बता रहा था कि दोस्तों को पता चले कप में एंट्री थी, उसमें हमारा 11वां नंबर आया था, 40 शतों में से 11वां नंबर, बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी चते थी आपको पता नहीं है। इस दफा हमारी कप में जो एंट्री थी उसमें 51 चते थी, मैं 50 समझ रहा था लेकिन 51, अभी मैंने स्कोर अभी आया तो मुझे पता चला है उसमें हमारा 13वां नंबर आया है, और जो सिंगल हैंड थी वो हमने जीत लिया है। एवरेज पर हिट पर वास 3 बाजियां लगी उसे गले पे। इंशाल्लाह जी आपको ये स्कोर बताया है, मुझे उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा देख के। देखें बताने का मकसद क्या है, मैंने भी अपनी कोई यानी कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, सिर्फ एक बताया कि यार चलो आपको मोहताजी नहीं होगी, कैप्सूल आपने खुद बनाया, अपने हाथ से लगाया, अपने हाथ से कबूतरों को देख के लगाया। मैंने आपको सारा तजर्बा करके बताया कि जो बड़ा कबूतर है उसको मैंने बड़े वाले कैप्सूल लगाए, 5 गोलियां 30 के 5 वाला कैप्सूल लगाया, छोटे को छोटा वाला कैप्सूल लगाया 8 गोलियों वाला, और कबूतर बड़े अच्छे उठ गए, ठीक है वो बैट तक होती है, दो कबूतर नहीं आए। अच्छा मैं आपको बताऊं, कप के अंदर 51 छतों में मेरे ख्याल से सवाए 3 से 4 छतों का रिजल्ट मैंने देखा, किसी के पूरे नहीं बैठे, किसी के 4 आए, किसी के 3 आए, किसी का तो मेरे ख्याल 5-5 नहीं आए, पता नहीं क्या वजह है, और बड़ी 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 छतों के नहीं आए। अल्लाह की जात बेहतर जानती है इस बारे में, लेकिन आपको एंजॉय मजा आएगा। अगली इतवार फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तैयारी के साथ आएंगे अगली इतवार, फिर कप भी है और सिंगल हैंड भी है, अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें। मैं शहजाद कुरैशी आपका होस्ट भी ब्लॉगर विजय सवार के साथ, हमारा चैनल यार कुकी का लाइक करो, माहिर किचन ब्लॉग्स उसको भी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।